जहानाबाद के लोगों को बहुत दिनों से जिसका इंतजार था उसका शुभारंभ हो गया। कई स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जहानाबाद के बीचों बीच अरवल मोड़ पर रुअफजा मॉकटेल का उद्घाटन जदयू MLC आफाक आलम द्वारा किया गया। इस मौके पर समाज सेवी व संचालक डॉक्टर सुल्तान रजी ने आए हुए सभी अतिथियों को फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। मालूम हो कि रुअफजा मॉकटेल जहानाबाद का अपने आप में पहला ऐसा सेंटर है जहाँ से आप एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ मिल्क शेक में सब कुछ, स्नैक्स, स्वीट, मोजीटो, मॉकटेल में वो सब कुछ जिसकी आप चाहत रखते हैं। रुअफजा मॉकटेल के उद्घाटन के मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। सब ने यहाँ के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया और कहा कि निश्चित ही जहानाबाद में ऐसे प्रतिष्ठान की सख्त ज़रूरत थी। इस तरह का आनंद उठाने के लिए जहानाबाद के लोगों को पटना गया या अन्य शहरों में जाना पड़ता था। अब जहानाबाद के अरवल मोड़ पर रुअफजा मॉकटेल के खुलने से यहाँ के लोग तरह तरह के व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे, वो भी बहुत स्वादिष्ट। वहीं इस मौके पर उद्घाटनकर्ता जेडीयू MLC आफाक आलम ने कई आइटम का स्वाद चखा और कहा कि निश्चित ही रुअफजा मॉकटेल की हर वैरायटी का स्वाद अपने आप में अलग है और सबसे बेहतर है, तबीयत खुश करने वाला है। इस मौके पर पिंजौरा पंचायत के मुखिया रामानंद यादव, जदयू नेता गुड्डू भाई, कई समाज सेवी सहित गण्यमान्य बुद्धिजीवियों ने रुअफजा मॉकटेल की प्रशंसा की। समाज सेवी संचालक डॉक्टर सुल्तान रजी ने जहानाबाद वासियों से अपील की कि एक बार आएं और यहां के हर वैरायटी के स्वाद का आनंद उठाएं जो अपने आप में यूनिक है और सबसे बेहतर है। विभिन्न राज्यों से अनुभवी कारीगरों द्वारा सभी व्यंजन बनाए जा रहे हैं जिसका स्वाद अपने आप में निश्चित तौर पर यादगार होगा। SK मिर्ज़ा, ईशा न्यूज़ के लिए। रजी साहब को इस के लिए हम बधाई देते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं कि शहर के लिए नई चीज़ है, नए तरह का, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जहानाबाद में और ख़ास करके आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जबकि लोग सुकून से बैठ करके काम की वजह से खा पी भी नहीं पाते हैं, वैसे में एकदम मेन चौक पर इस तरह का उपक्रम इन्होंने डाला है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और शहर के लोग भी और ज़िले के, और न केवल ज़िले के बल्कि ये दो बड़े शहरों के बीच में शहर है, गया और पटना के बीच में, तो एक तरह से ये मिडवे है, तो ये मिडवे का भी काम करेगा। गया से पटना जाने वाले लोगों को और पटना से वापसी में गया जाने वाले लोगों को ये एक यहाँ रुक करके रिफ्रेश होने का इससे मौका मिलेगा, ये इसलिए हमको बहुत बात है। बाद में एक यूनिक रेस्टोरेंट है रुअफजा मॉकटेल, मॉकटेल हर तरह का मॉकटेल आपको यहाँ मिलेगा, आपको डोसा मिलेगा, चाट टिक्की मिलेगा, और जो क्वालिटी होगा वो यकीनन जो है नंबर वन होगा। क्वालिटी में किसी तरह का भी कोई समझौता नहीं है, एक बार जो आएगा वो खा के जाएगा, यकीनन हम दावा करते हैं कि वो दोबारा आएगा। क्या कहेंगे शहरवासी? हम शहरवासी से अनुरोध करेंगे कि एक शहर में जो है बेहतरीन चीज़ जो है खुला है, एक बार ज़रूर आप लोग आएँ, और जब एक बार आ जाइएगा तो यकीनन आप दोबारा नहीं जाइएगा, हमेशा के लिए आप ज़रूर आइए। ये सब टेस्ट लेने के लिए लोग पटना जाते हैं, गया जाते हैं, लेकिन आपने इस तरह मैं पहले ही कहा कि क्वालिटी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं, प्योर हर तरह का जो है, चाहे स्वीट हो चाहे कुछ हो, प्योर घी में मिलेगा आपको जो है। खाने में भी जो है कोई समझौता नहीं, मसाला घर का हमारा खुद का पिसा हुआ जो है, तेल हमारा खुद का जो है, क्वालिटी नंबर वन। किनके द्वारा होता है? आज JDU MLC आफाक साहब, JDU जनरल सेक्रेटरी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया।